गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि रेसलिंग आर्ट में फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले आज वाले मंडल नाइट रो के बारे में, जो कि WWE ने काफी अच्छी तरीके से बुक की। रॉयल रंबल से पहले ये होम एडिशन था, WWE ने काफी अच्छी चीजें को एडवर्टाइज किया। तो गाइस, सबसे जो है हम शुरुआत करने वाले थे, लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को फिर से एक बार हमारे तरफ से 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे की हार्दिक हार्दिक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है हमारे WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर के रिटर्न के द्वारा। ड्रू मैकइंटायर के अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि सबसे पहले आप सभी लोगों का पहले तो धन्यवाद, क्योंकि आप सभी ने मुझसे जो है ठीक होने में इतनी ज़्यादा जो है प्रे वगैरह की। और वो कहते हैं कि मैं जो गोल्डबर्ग को रॉयल रंबल के अंदर हराऊंगा और उसके स्ट्रिक को तोड़ूंगा और यहाँ पर मैं WWE चैंपियनशिप को अपनी रिटेन करूँगा। पर वहाँ पर तभी हमें जॉन मॉरिसन और द मिज़ के वहाँ पर एंट्री होती है। वो कहते हैं कि कोई भी चीज पर रॉयल रंबल के अंदर जो जीतेगा उसके ऊपर मैं अपना कैश इन करूँगा और बनूंगा नया WWE चैंपियन। तभी वहाँ पर गोल्डबर्ग का 300 प्ले होते हैं, गोल्डबर्ग के अंदर आते हैं। गोल्डबर्ग कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी अच्छी खासी भाप सही, पर मैं रॉयल रंबल के अंदर हराऊंगा और मैं रॉयल रंबल के अंदर WWE चैंपियन बनूंगा। कहते वो कहते हैं कि जॉन मॉरिसन और तभी ड्रू मैकइंटायर, तभी हमारे जो है यहाँ पर गोल्डबर्ग कहते हैं कि योर नेक्स्ट, और मिज़ कहते हैं कि दिखा दो। और कहते वहाँ पर ड्रू मैकइंटायर और जो हमारे जॉन ड्रू मैकइंटायर और गोल्डबर्ग मिज़ और मॉरिसन को लेते आड़े हाथों और उनको एक ड्रू मैकइंटायर लगाते क्लेमोर जॉन मॉरिसन को और गोल्डबर्ग लगाते स्पीयर यहाँ पर मिज़ को। कैसे यहाँ पर उनके बीच एक फेस ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर बनाम शेना बेसलर का मैच, पर मैच के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। पर मैच डिस्क्वालीफाई होने के बाद वहाँ पर उनके जो है टीममेट्स के लिए वहाँ पर डेना ब्रूक और मैंडी रोज़ आ जाती है, वो लाइसेंस भी आ जाती है। वहाँ पर एक सिक्स वुमन टैग टीम मैच भी होता है। मैच का फीचर मैच के अंदर यहाँ पर जो है फेस टीम यानी कि शार्लेट फ्लेयर, मैंडी रोज़ और डेना ब्रूक इस मैच के अंदर जीत हो जाती है। नेक्स्ट देखने को मिलता है गाइस, वो देखने को मिलता है यहाँ पर एक जेवियर वुड्स बनाम स्लैप जैक का। और गाइस यहाँ पर जो है एक जेवियर वुड्स हमारे जो है स्लैप जैक को डिफीट कर जाते हैं। पर गाइस स्लैप जैक को डिफीट करने के बाद वहाँ पर जो है हर्ट मतलब हमारी जो रेट्रीब्यूशन आ जाती है और उनको यहाँ पर तोड़ देती है और उनको काफी ज्यादा मार देती है। नेक्स्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है गाइस हॉट बिजनेस का एक सेगमेंट, हॉट बिजनेस रिंग के अंदर आती है। एमवीपी का वीआईपी अलाउंस होता है वहाँ पर। वो कहते हैं कि हॉट बिजनेस के तीनों लोग कहते हैं कि एमवीपी ने हमारे पास सोना एमवीपी की वजह से आ चुके हैं और हम जो है हम भी कहीं ना कहीं रिश्तेदार बनते हैं कि हम भी उन कोई ना कोई तोहफा दें। और किस वहाँ पर जो एक उनको जो एक पैंडल देते और किस वहाँ पर THB लिखा होता है यानी कि द हॉट बिजनेस उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो गली के अंदर पहनते हैं और किस वहाँ पर जो है आर्ट्रूथ बीच में आ जाता है। आर्ट्रूथ आने के बाद वहाँ पर जो है बॉबी लेस्ली कहते हैं कि तुम रिंग के अंदर आ जाओ, मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ। तभी किस वहाँ पर सारे के सारे लोग को रूम के मेम्बर आ जाते हैं 24/7 चैंपियनशिप की चीज़ के लिए और बॉबी लेस्ली और शेल्डन बेंजामिन उन सभी को मारते और कैसे वहाँ पर MVP रिंग के अंदर अकेले हो जाते हैं। और MVP को एक जो है रनिंग नहीं लगता आउट ऑफ नोवेयर और कैसे यहाँ पर रन जो है और उनको नीचे लगा कर यहाँ पर से निकल जाते हैं। नेक्स्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है शेमस बनाम हमारे जॉन मॉरिसन के एक मैच, शेमस बनाम जॉन मॉरिसन मैच होता है। मैच के अंदर जॉन मॉरिसन हार जाते हैं, शेमस विजय रहते हैं। पर मैच खत्म होने के बाद मिज कहते हैं कि तुम मैं एक हैंडीकैप मैच के लिए तुम्हें चैलेंज करता हूँ और यहाँ पर वो एक्सेप्ट करते हैं। कमर चलाते हैं, मैच शुरू होता है। मैच के अंदर मैच का फीचर होता है 2-on-1 मैच था, गाइस हैंडीकैप मैच नहीं था। और गाइस इस मैच के अंदर जो है हमारे शेमस हार जाते हैं और गाइस यहाँ पर मिज़ और जॉन मॉरिसन इस मैच के अंदर विजय लेते हैं। नेक्स्ट देखने को मिलता है गाइस वो देखने को मिलता है रिक फ्लेयर और लेसी इवेंस का यहाँ पर एक सेगमेंट। रिक फ्लेयर और लेसी बैकस्टेज होते हैं और गाइस वो जो एक रेसलिंग टीम को मुंह से का देते हैं वो काफ़ी करीब होती है। और गाइस यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर आती है, आ जाती छोटा फ्लेयर कहती है लेसी तुम यहाँ पर से निकल जाओ, मुझे रिक फ्लेयर से बात करनी, वो निकल जाती है। और गाइस यहाँ पर वो कहती है कि रिक फ्लेयर कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर क्या काम है, मैं मेरे यहाँ पर ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठा हूँ, तुम यहाँ पर से निकल जाओ। वो कहती है कि तुम भले ही एक लेजेंड हो पर मेरे अंदर जो है रिस्पेक्ट थी वो है, पर मैं यहाँ पर तुम्हें जो है मुझे तुम्हारी जो लेजेंड है तुम्हें भी तुम्हारी बेटी। और यहाँ पर जो है पीछे से कुछ वुमेन्स राइट लग जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर से, शार्लेट फ्लेयर वहाँ पर पड़ी होती है और फ्लेयर और लेसी इवेंस वापस निकल जाते हैं। नेक्स्ट देखने को मिलता है एजी स्टाइल्स वर्सेस आर्ट्रूथ के बीच एक मैच, जो कि क्वालिफाइंग मैच होता था रॉयल रंबल का। पर गाइस यहाँ पर हमारे एजी स्टाइल्स मैच के अंदर विजय होता है। नेक्स्ट देखने को मिलता है गाइस वो देखने को मिलता है अलेक्सा ब्लिस का प्ले क्राउन वाला सेगमेंट। अलेक्सा ब्लिस आ जाते हैं बैकस्टेज, वहाँ पर रैंडम टाइम का हमें जो है बैकस्टेज के क्लिप दिखाए जाते हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने जो है एक न्यू मैच क्लियर कराया था और गाइस वो कह दी कि पिछले हफ्ते तो काफ़ी मुझे जो है मेरा मैच काफ़ी पसंद आया, पर मैच के अंदर जो है इस बार मेरे साथ एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं रॉयल रंबल चैंपियन बनूँ और मैच बनूंगी भी। और वो कहती है कि रॉयल रंबल के अंदर में जाने वाले। और गाइस नेक्स्ट देखना मिलता है वो देखने को मिलता है गाइस एक गॉन्टलेट मैच, रिडल वर्सेस हॉट बिजनेस के। सबसे पहले शेल्डन बेंचमैन आते हैं, शेल्डन बेंचमैन मैच के अंदर हार जाते हैं, उसके बाद MVP जाते हैं
हुए एक 10-12 सेकंड के अंदर ही टैप आउट करके हार जाते हैं। और गाइस नेक्स्ट आते हैं हमारे यहाँ पर सैडरिक अलेक्जेंडर भी जो है इस मैच के अंदर रोल अप के जरिए हार जाते हैं। और गाइस वहाँ पर जो है रिटल चालाकी से जीत जाते हैं और गाइस वहाँ पर से निकल जाते हैं। पर गाइस बॉबी लेशली का टीम सब प्ले होता है और गाइस बॉबी लेशली उनको जो है एक हॉट लॉक लगा देते हैं और गाइस वहाँ पर से बॉबी लेशली काफी ज्यादा गुस्सा होता है, वहाँ पर से निकल जाता है। नेक्स्ट देखने को मिलता है वो काफी बड़ा सेगमेंट होता है गाइस एज का रिटर्न। हां गाइस एज आता है बैक स्टेज में देखने को मिलता है, उनका एक स्क्रीन के ऊपर एक प्रोमो होता है और गाइस एज कहते हैं कि मैं जो हूँ 2020 में काफी ज्यादा अच्छे 2020 ने काफी अच्छे सीखा और वो कहते हैं कि 2020 के अंदर मैं रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न किया, उसके बाद मैं रैंडी ऑर्टन से भिड़ा, मैं जीता, मैं मैच हारा, पर मैं जो हूँ कभी भी गिव अप नहीं किया और गाइस मैं इस साल रॉयल रंबल के अंदर आने वाला हूँ और मैं रॉयल रंबल ये जीत के दिखाऊंगा। पिछली बार की तरह ये नहीं रॉयल रंबल होगा और मैं रॉयल रंबल के अंदर जीतूंगा, जाऊंगा रसल महीने के अंदर, मैं ये कहूंगा और जीतूंगा चैंपियनशिप। और गाइस पर हमने एंटासिटी प्लेयर को साथ नेक्स्ट मेन इवेंट में आता है गाइस, वो काफी बड़ा आता है आस्का वर्सेस अलेक्सा ब्लिस के बीच एक रॉ वुमन चैंपियनशिप का मैच। इन द मैच ऑफ जो होता है गाइस मैच के अंदर हमें एंगल देखने को मिलते हैं कि मैच जैसे स्टार्ट होते हैं कि वहाँ पर जो अलेक्सा ब्लिस रिंग के अंदर अचानक से मतलब जो हॉर्स होते हैं उनका जो है मतलब बच्चों का जो होता है वहाँ पर से वो खेलती है और यहाँ पर एक कमर्शियल आ जाते हैं। कमर्शियल के बाद मैच शुरू होता है, मैच के अंदर वो मैच होते हैं पर वहाँ पर फिर से एक बार वही सीनरी होता है कि जो अलेक्सा ब्लिस का गेम चेंज होता है और उनको कुछ भी लगता नहीं। और इस तभी हमें ये एंगल देखने को मिलता है कि वो जाती है एक यहाँ पर मैंडिबल क्लो लगाने के लिए, मैंडिबल क्लो भी अलेक्सा ब्लिस जो है लगा देती पर तभी भाई उनको मतलब दिखता नहीं होगा वो पूछे उनको करते और कैसे हार क्यों लगा देते हैं अलेक्सा ब्लिस को आउट ऑफ नोवेयर। और राइट आउट का जो मुंह होता है उसके ऊपर रेड रेड सा मतलब उनका मुंह जो जैसे पिघल गए, उनको जल चुके हैं ऐसा WWE दिखा है। काफी ड्रामेटिक तरीके के तरीके से WWE रॉकेट किया, काफी अच्छी एंडिंग थी गाइस। और ये देखना पड़ेगा रॉयल रंबल के अंदर क्या होता है गाइस, फिर आते हैं फिर नहीं गाइस। ये गो कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस आपको फिर से एक बार 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो आजकल बस इतना ही।